बलौदाबाजार जिले की बिलाईगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपहरण कर फिरौती की मांग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी जानकारी डीएसपी सिद्धार्थ बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बता दें, प्रार्थिया कौशल्या बाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके पति शिव नारायण राकेश को आरोपियों द्वारा अपहरण कर पश्चिम बंगाल के ग्राम घाटल के पास गांव में बंधक बनाकर पैसे की मांग करने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, जिस पर बिलाईगढ़ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और स्पेशल टीम गठित कर कार्यवाही शुरू की, जिसके चलते पुलिस को सफलता हाथ लगी है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी मलय कुमार बाग के मौके पर ही मिलने पर उसके छिपने के संभावित स्थानों पर अलग अलग टीम बनाकर पश्चिम मेदिनीपुर भेजकर लगातार दबिश दी गई। कड़ी मेहनत से मुख्य आरोपी मलय कुमार बाग पिता चितरंजन बाग को पश्चिम मेदिनीपुर में अपनी दूसरी पत्नी के निवास से रेड कार्यवाही कर पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्त में लेकर जेल भेज दिया है। दिनांक 27 नवंबर 2020 को श्रीमती कौशल्या बाई निवासी बिलाईगढ़ द्वारा रिपोर्ट की गई कि उनके पति शिव नारायण राकेश निवासी बिलाईगढ़ को पश्चिम बंगाल के कुछ लोगों द्वारा बंधक बनाकर 25 लाख रुपए फिरौती की मांग की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना बिलाईगढ़ द्वारा FIR कायम किया गया, धारा 342, 386, 387 भादवी के अंतर्गत, और तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय IK LSLA साहब के निर्देशन में व हमारी एडिशनल SP मैडम निवेदिता पाल के मार्गदर्शन में तुरंत पश्चिम बंगाल टीम को भेजा गया व थाना दासपुर जिला मोदिनीपुर पश्चिम बंगाल से 3 आरोपियों के साथ पीड़ित शिव नारायण राकेश को बरामद किया गया। 3 आरोपी मलय उर्फ राहुल बाग, आरक जाना पिता बैद्यनाथ जाना, चितरंजन बाग पिता हरिपत बाग के साथ में पीड़ित को बरामद किया गया। उनके साथ 2 नग मोबाइल पीड़ित का, 1 नग मोबाइल आरोपियों का, 35,000 रुपये नकदी व कुछ ID कार्ड्स बरामद किए गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन में TI दीनबंधु उइके, उप निरीक्षक रोशन राजपूत, यशवंत सिंह राजपूत, सवनी उत्तर साहू, प्रधान आरक्षक धनंजय यादव, आरक्षक भरत भूषण पठारे, धनेश्वर वर्मा का सराहनीय योगदान रहा।